23 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में आज राज्य में हर बड़ा नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने उतर गया। राहुल गांधी ने धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में सभा की और इस दौरान राहुल गांधी ने तीखा तंज कसते हुए जेब कतरों से पीएम मोदी और उनके सहयोगियों की तुलना कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता, तीन लोग आते हैं। पहला आपका ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है और तीसरा कोई विरोध करे तो उन्हें धमकाता है। नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम नोटबंदी, मुझे चौराहे पर लटका देना। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि अडानी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी का मतलब है आपकी गारंटी, भारत माता की गारंटी। वो भारत माता के नारे लगाते हैं और करते हैं अडानी की जय। राहुल ने अडानी के सहारे मोदी को घेरा तो पीएम मोदी ने सचिन पायलट के अपमान का मुद्दा उठा दिया। पीएम ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि राजेश पायलट एक बार कांग्रेस की भलाई के लिए इस परिवार के खिलाफ गए थे, लेकिन सजा राजेश पायलट को मिली, उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दी जा रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया।